स्वागत है। गढ़वा जिले में बना मंडल डैम सिंचाई परियोजना फिर शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल पर केंद्र सरकार ने इस परियोजना को शुरू करने की मंजूरी दी है। इससे कई फायदे होंगे, एक तरफ खेतों को पानी मिलेगा तो दूसरी तरफ बिजली उत्पादन भी होगा। किसानों की आमदनी तभी बढ़ेगी जब उनके खेतों तक सस्ते दर पर पानी पहुंचेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर रघुवर सरकार 47 साल से बंद पड़े मंडल डैम सिंचाई परियोजना को शुरू करने जा रही है। इस डैम से पलामू प्रमंडल के लाखों किसानों को फायदा होगा। इस परियोजना की शुरुआत 1970 में हुई थी, तब इसकी लागत 125 करोड़ आंकी गई थी। काम शुरू हुआ लेकिन पर्यावरण का हवाला देकर केंद्र सरकार ने काम बंद करवा दिया। तब तक काफी काम हो चुका था, सिर्फ डैम में गेट लगाना बाकी था, लेकिन वक्त गुजरता गया और निर्माण स्थल से सारे उपकरण और सामान चोरी हो गए। अब रघुवर सरकार की पहल से गांव वालों को फिर उम्मीद जगी है। बाल बच्चेदार आदमी है, जाते हैं फोन अंदरा से मंदरा तुरंत फोन होता है कि नहीं आपको परिवार तबीयत खराब है तो बच्चा खराब है, अगर लोकल पर हम लोग काम करते तो कितना अच्छा था। मंडल डैम की ऊंचाई 64.82 मीटर तय है। इससे 25 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है। झारखंड और बिहार की 1.20 लाख हेक्टेयर खेत को पानी मिलेगा, जिससे मंडल क्षेत्र के लोगों का पलायन रुकेगा। रघुवर सरकार के इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। जो बरसों से पेंडिंग काम था उसकी स्वीकृति दिए हैं। मंडल डैम दो तरह से उपयोगी है, एक तो सिंचाई के लिए भी लंबी एरिया उसे सिंचित होगा और दूसरी तरफ बिजली की जो किल्लत होती है गढ़वा पलामू में वह भी करीब करीब दूर हो जाएगा और साथ ही साथ उस डैम को चालू होने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। झारखंड में हरित क्रांति लाने के मकसद से मंडल डैम परियोजना को लाया गया था। मंडल डैम परियोजना को शुरू करने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार की इस पहल से ग्रामीणों में एक बार फिर उम्मीद जगी है, क्योंकि मंडल डैम परियोजना से एक बार फिर इस इलाके का तेजी से विकास होगा। ब्यौरा रिपोर्ट, जी मीडिया।